तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एयर बबल है, ठीक है ना। एयर बबल एक ग्लास के स्लैब में है। एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फ्रॉम नॉर्मली इंसिडेंट ऑन, देख रहे हो, एंड इज 5 सेंटीमीटर डीप व्यू फ्रॉम द वन साइड। एक साइड से देखोगे तो 5 सेंटीमीटर डीप दिख रहा एयर बबल, और दूसरी साइड से देख रहे हो तो 3 सेंटीमीटर डीप अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो ये कहते हैं थिकनेस ऑफ द सेंटीमीटर, थिकनेस निकालो। देखो ऐसा सवाल बच्चों कई बार पूछा गया, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करोगे, मेरी बात है बड़े ध्यान से सुनना, तो तुम्हें क्या होगा, ज़्यादा फार्मूले और मिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 2D व्यू है एक ग्लास स्लैब का, मैं इधर से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक बबल है, ठीक ना, यहाँ पे एक बबल है, दिस इज द बबल। तो ये कहता है थिकनेस ऑफ द ग्लास, मान लेते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब यहाँ से टी है, टी इज द थिकनेस। तो एक बार अगर मैं इधर से देखूंगा, ठीक है ना, तो मैं बताया नहीं गया तो अंडरस्टूड है, मैं एयर से देख रहा हूँ तो एयर है, तो और इधर जो ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है यहाँ 1.5। तो तुम अगर रेयरर से डेंसर कभी भी देखते हो तो हमेशा याद रखना कि जो अपेरेंट डेप्थ, तो ये वाली यहाँ, ये वाली जो लाइन है वो इन दोनों मीडियम को अलग कर रही है। तो ये रेयरर मीडियम हो गया और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयरर से डेंसर है, तो ये वाली जो, अब इस लाइन से ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी दैट इज रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को मैं X1 बोल देता हूँ, ठीक ना, ये रियल डेप्थ X1 आ गया, ठीक ना। और उधर से तो रियल डेप्थ, तो ये जो ये यहाँ से नॉर्मली देखोगे तो इधर कहीं अपीयर होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से क्रिएट हो रही है y, इसको y1 दैट इज ये जो y1 है दैट इज अपेरेंट डेप्थ। तो क्योंकि जब रेयरर से डेंसर देखते हैं तो अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आती है, ठीक है। तो जब रियल डेप्थ से कम आती है तो आपको फार्मूला याद होगा कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू, क्योंकि रियल डेप्थ घट जाती है तो इसलिए म्यू से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे याद रख लो। और अगर इस ग्लास से एयर में देखोगे तो अपेरेंट डेप्थ बढ़ जाती है और म्यू टाइम्स रियल डेप्थ, ठीक ना। लॉजिक समझ में आया? ये कब लगेगा? जब रेयरर से डेंसरर देखोगे, और रेयरर एयर है नहीं तो रिलेटिव आ जाएगा म्यू। और ये कब लगेगा? जब डेंसरर से रेयरर देखोगे। बात समझ में आया? ये जो ट्रिक है जो बता रहा हूँ इसको याद कर लो, क्योंकि रेयरर से इस केस में डेंसरर से रेयरर देखोगे तो एपरेंट डेप्थ बढ़ जाती है। तो ऐसे रट लो, बढ़ने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और घटने के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक ना, और अपेरेंट डेप्थ घट जाती है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलो मैं बहुत बच्चों का ख्याल रखता हूँ, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम ये जो y1 है वो y1 यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं y1 यहाँ से अपेरेंट डेप्थ, y1 की जो वैल्यू है यहाँ से तुम देखोगे अपेरेंट, हाँ यहाँ से जो है रियल डेप्थ जो आ जाएगा, रियल डेप्थ दैट इज यहाँ से x1 मान लेता हूँ, तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई म्यू टाइम्स आ जाएगा। यहाँ से इस फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ, तो अपेरेंट डेप्थ इसका कितना है 5 और म्यू है 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा, हाँ यहाँ से आ जाएगा, तुम देख रहे हो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया X1 की वैल्यू, ठीक ना। अब उधर से इस साइड से देखो, दूसरे साइड से देखोगे तो क्या होगा? अगर तुम इस साइड से देखोगे, दूसरे साइड से, इस साइड से आंखें फाड़ के देखोगे तो यहाँ से तुम देखो नॉर्मली जब देखोगे तो ये भी अगेन एयर से डेंसर में देख रहे हो, तो बबल इधर कहीं दिखाई देगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज़ y2, अगेन इट इज़ द अपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे रियल डेप्थ x2 होगा, दिस इज़ द रियल डेप्थ x2। तो यहाँ पर जो रियल डेप्थ हो जाएगा दैट इज x2 की जो वैल्यू आ जाएगी, यही वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ से अपेरेंट डेप्थ और मल्टीप्लाइड बाई रियल अपेरेंट डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से म्यू, तो अपेरेंट डेप्थ कितना है यहाँ पे, इस y2 की वैल्यू 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो यह
45 सेंटीमीटर, तो जो थिकनेस टी है वो एक्स वन प्लस एक्स टू के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो 7.5 प्लस यहाँ से तुम देखोगे 4.5, तो 7 × 3 = 10, एक 11, तो 11 सेंटीमीटर इधर फाइनल सोल्यूशन होगा, 12 होगा ना, ये 12 सेंटीमीटर इधर फाइनल, तो 12 सेंटीमीटर मतलब अपना सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।